हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हल करेंगे कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान भाग 1 के अध्याय 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगति के उन अंक प्रश्नों को जो आपसे बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और समझते हैं क्या है आज का आंकिक सवाल, उसे किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। और इस टाइप का जो सवाल है बेटा, एग्जाम में आपने पिछले साल का बोर्ड के एग्जाम बोर्ड एग्जाम के पेपर देखें तो इस टाइप के सवाल आपसे 4 नंबर में पूछे जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह बेटा, इस टाइप के न्यूमेरिकल बेटा बेहद ही आसान होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो आई होप को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मेरा वीडियो लेक्चर पूरा देखेंगे तो इस टाइप के अगर एग्जाम्पल में अगर एग्जाम में कोई सवाल आएगा तो आप उसके मास्टर हो जाएंगे, टाटा इसको बिल्कुल चुटके में इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए समझते हैं। तो स्टैंड सबसे पहले बात बताऊं कि ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये एनसीईआरटी वाली बुक से है, ठीक है। और अध्याय 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगति, ठीक है। रासायनिक बलगति के जब अंत में जाएंगे अभ्यास में तो आप वहाँ पर देखेंगे अंक प्रश्नों में 4.16 का मीनिंग बेटा ये है कि अध्याय का 4 का जो संकेत कर रहा है, अध्याय 4 को संकेत कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया अध्याय 4 रासायनिक बलगति है और ये 16वां सवाल है, यानी अध्याय 4 का 16वां सवाल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा 4.16 का मीनिंग ये है कि अध्याय 4, ठीक, 4 का 16वां सवाल। चलिए अब बात करते हैं अपने मुद्दे की, क्या आपका सवाल है। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई 60 सेकंड इनवर्स है। देखिए प्रथम कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग स्थिरांक का जो मान दे रखा है वो 60 सेकंड इनवर्स दे रखा है, ठीक है। चलिए अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता, अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 वा भाग, है ना, अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, यानी आपको समय बताना है, ठीक है। चलिए तो पहले इसकी जो वैल्यू देखिए, पहले हम उसको लिखते हैं फिर आपको समझेंगे। देखिए आपको दिया है वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक को बेटा लिखते हैं हम के से। तो देखिए हाँ, के बराबर आपको दिया स्टैंड, के बराबर दिया आपका 60 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अच्छा अब प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो समाकलित वेग समीकरण होता है वो ये होता है, वो मैंने से पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था स्टैंड। देखिए मैं लिख रहा हूँ उसको, ध्यान से देखें, सूत्र होता है प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण क्या होता है, ये होता है के बराबर होता है स्टैंड 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 और ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है स्टैंड। तो ये वो फार्मूला है स्टैंड, ठीक है। एक बार फिर से बताता चलूँ, तो सूत्र जो होता है प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो सूत्र होता है वो होता है के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, जहाँ ए क्या है, ए प्रारंभिक मात्रा है और ए माइनस एक्स क्या है, वो इसकी टी समय पश्चात है ना, यह इसकी शेष मात्रा है, ठीक है। तो ए क्या है इसकी, आपकी इस अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक मात्रा है, ठीक है, और यह ए माइनस एक्स ये शेष मात्रा है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इस समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस टी को मुझे क्या बताना, समय बताना है, क्या बताना बेटा समय। तो इस टी को बेटा हम यहाँ लिख सकते हैं और के को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैं के को तो लिख रहा हूँ टी की जगह, यानी यहाँ पर आएगा आपका बेटा के, ठीक है, और यहाँ पर आएगा बेटा टी, आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे टी का मान पूछा इसलिए मैंने इसको के और टी को आपस में इंटरचेंज आपस में कर दिया स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब देखिए हम मान लेते हैं प्रारंभिक मात्रा, मैंने कल भी आपको बताया था कि इस टाइप के न्यूमेरिकलों में प्रारंभिक मात्रा को कितना लेते हैं बेटा 100 लेते हैं, कितना लेते हैं बेटा 100, यानी ए का जो मान लेंगे हम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए मान लिया हमने ए बराबर हमने लिया स्टैंड आपका 100, कितना लिया बेटा 100, ठीक है। अच्छा अब हम बात करेंगे a माइनस एक्स, ए माइनस एक्स कितना होगा, देखिए a माइनस एक्स, तो a माइनस की x जो वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखिए हमने क्या प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 भाग, तो यानी a माइनस एक्स का जो मान आएगा वो इस 100 का कितना होगा 1/16 भाग होगा, कितना होगा बेटा 1/16, तो इसको कह सकते हैं 100 यानी इसको 100/16 लिख सकते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं 16 को इसके नीचे लिख देता हूँ, इससे आपको और भी बेटर समझ में आएगा, यहाँ लिख देते हैं बेटा हम 16, ठीक है। चलिए अब फार्मूला में जो आपका फार्मूला लगा है, ठीक है, इसमें इसको पोर्ट कर दीजिए। चलिए टी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, थोड़ा पीछे से देखिए, टी बराबर क्या आपका 2.303
2.303 अपॉन के, के का वैल्यू डाल दीजिए, के का वैल्यू कितना है 60, चलिए लॉग बेस 10। अब ए, ए का मान कितना है बच्चों 100 है, और a माइनस एक्स का मान कितना है वो गया आपका 100 अपॉन 16 है, कितना बेटा 100 अपॉन 16 है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टैंड। अब देखिए 100 से 100 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा वन टाइम, ठीक है, तो ये 16 से गुणा में पहुंच जाएगा, है ना, तो ये जाएगा 16 एक 16, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको, देखिए क्या मिलेगा आपको, टी बराबर 2.303 अपॉन 60। अब ये बताया लोग बेस 10, मैंने आपको क्या बताया ये 16 ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना जाएगा बेटा ये 16 आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टैंड, इसको समझें, देखिए आए करेंगे इसको टी बराबर 2.303 अपॉन 60 और लॉग बेस 10। अच्छा इसको हम 16 को ले सकते हैं बेटा 2 की घात 4, क्योंकि 16 के जो फैक्टर होते हैं स्टैंड वो कितने होते हैं 2 × 2 × 2 × 2, यानी इसका मीनिंग हुआ 2 की पावर 4, यानी 16 जो इक्वल होता है क्या होता है बेटा 2 की पावर 4 के इक्वल्स होता है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा 2 की पावर बेटा 4, ठीक है। अब जब ये 2 की पावर 4 हो जाएगा बेटा, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था, देखिए फार्मूला ये था, मैं तो लिख देता हूँ, चलिए इधर ही बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए, लॉग बेस 10 और ये एम है और एम की पावर एन है, ठीक है, तो लॉग बेस 10 एम की पावर एन है, तो होता है क्या बेटा कि ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, यानी ये हो जाता है आपका एन लॉग और ये 10 आपका ऐसे रहेगा और ये एम ऐसा आ जाएगा, ठीक है, जो पावर है बेटा वो इसके आगे आ जाएगी, देखिए लॉग के आगे आ गई। अब यहाँ पे पावर कितनी है बेटा 4 है, तो ये 4 कहाँ आ जाएगा बेटा आगे आ जाएगा, देखिए आगे आएगा तो ये क्या पड़ेगा फार्मूला, ये टी बराबर हो जाएगा स्टैंड, टी बराबर 60 तो ऐसे रहेगा 60 और 2.303 और ये क्या जाएगा बेटा 4, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया। अब ये क्या बचा आपका बेटा लॉग 10 और ये क्या बचा बेटा आपका 2, यानी लॉग 10 लॉग 2 बचा, लॉग बेस तो 10 है आपका और यानी क्या बचा 2 बचा। अब इसका जो मान होता है बेटा, इसका जो मान होता है उसका मान होता है 0.3010, ठीक है, चलिए मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ स्टैंड, ठीक है, चलिए ध्यान से समझे। अब देखिए थोड़ा इसको इस टाइप से कर दिए ताकि आपको सामने कोई प्रॉब्लम ना आए स्टैंड, ठीक है, चलिए तो देखिए ये हो जाएगा आपका टी बराबर, यानी जस्ट इस लाइन के बाद यहाँ से सुनेंगे आप पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है, इसके बाद जस्ट यहाँ से तो टी बराबर 2.303 अपॉन, ठीक है, कितना है ये। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, इस 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी 15 × 4 = 60, यानी ये 15 बार कट जाएगा, यानी 4 से 60 डिवाइड करते तो कितना आएगा बेटा 15 आएगा, कितना आएगा ये 15, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितना आएगा बेटा ये 15 आई ऑफ, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, केवल 4 से इसको हमने 60 को डिवाइड कर दिया, तो 15 टाइम क्या हो गया डिवाइड हो गया, ठीक है, तो ये 15 ही आ गया। अब देखिए ये जो आपका जो मान है आपका लॉग बेस 10 2, इसका जो मान होता है बेटा मैं लिख दूंगा यहाँ पे, अभी आपको बताऊँ, देखिए लॉग बेस 10 और ये 2, यानी लॉग 2 कहूँ कौन होता है 0.3010, ये क्या का मान होता है बेटा लॉग 10 का मान होता है, लॉग 2 का मान होता है, लॉग 10 का मान तो 1 होता है ना, तो लॉग 2 की जगह कितना आ जाएगा बेटा आपका लॉग बेस 10 2 जगह आएगा, देखिए कितना आएगा मैं गुणा करा कर लिख देता हूँ इस टाइप से, इस टोटल की जगह कितना आएगा 0.30 और ये बेटा 10, ठीक है, एक बार फिर समझो लॉग बेस 10 2 का मान ये होता है, ये आपको बेटा याद होना चाहिए स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कराइए, अब जब बेटा इससे इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे स्टैंड, ठीक है, तो ये 15 तो आपका नीचे ही रहने वाला है, 15 तो आपका बेटा नीचे ही रहने वाला है। अच्छा देखिए अब इसकी 1, 2, 3 ट्रिपल आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी तिहरी गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ पे जो अब तिहरी गुणा करने में बेटा समय आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप जो इसकी जो मल्टीप्लाई आती है आपको मैं भी आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ और आपको भी आपको ये डायरेक्टली ही याद रखना पड़ेगा, और वो वैल्यू क्या होती है आपने सिलेबस में पढ़ा भी होगा, वो वैल्यू होती है 0.693 और साथ में 2 भी आता है और भी आगे आता है,
लेकिन ज़्यादातर जो वैल्यू हम कितनी लगाते हैं 0.693 भी लगा लेते हैं, ठीक है। अब मैंने 2 भी लगा लिया, इससे कोई इफेक्ट बेटा नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटा, इसको आप जो सोल्व करेंगे, इसको जब मैं सोल्व करूँगा बेटा, 15 से इसको भाग लगाऊंगा तो इसका जो मान आता है बेटा, लगभग कटेगा आपका, ये कटेगा आपका 0.0462, इतना आएगा लगभग। कितना आएगा बेटा? 0.0462, और भी आगे भी आता है ना, मैं केवल एप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ स्टैंड, ठीक है। तो टी बराबर स्टैंड आपको मिलेगा, ये मिला 0.0462, ठीक है, सेकेंड, ठीक है। चाहे तो आप इसका डेटा यहाँ भी आंसर हो करके आ सकते हैं, या फिर पॉइंट को एक दो स्थान पॉइंट इधर इधर कर देंगे बेटा, तो आपकी पावर माइनस के 2 हो जाएगी। यानी देख लीजिए, मैं यहाँ में लिख देता हूँ या करके, आप ये चाहें तो ये टी बराबर हो सकता है आपके पास, टी बराबर हो जाएगा बेटा 4.62 इंटू 10^-2 सेकेंड। ये आई होप समझ में आया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, केवल एक दो यानी दशमलव 2 के बाद मैंने इधर को पीछे खिसकाया, ठीक है। 0 को लगाने का कोई महत्व है नहीं स्टैंड, ठीक है। तो इसलिए कितना आ गया 4.62, ठीक है, और 10^-2 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो इसमें जो समय पूछा था बेटा, वो समय ये है। और याद रखें बेटा कि ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा, आपसे 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स में बेटा? 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। बहुत ही बेहद ही आसान सवाल होते हैं बेटा। और याद रखें कि ये फार्मूला आपको अच्छे से याद आना चाहिए, ये फार्मूला बेटा आपको अच्छे से याद होना चाहिए बेटा, इसी फार्मूले का कमाल है स्टैंड, ठीक है। तो इस फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, और ये याद हो गया तो समझ लीजिए इस टाइप का सवाल तो आपको कुछ भी आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है स्टैंड, ठीक है। तो स्टैंड आज का ये वीडियो लेक्चर बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन, देखिए एक बार मैं फिर से बता दूँ, क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ आया स्टैंड, तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए बेटा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मैं इसी प्रकार से इसके और भी जो अभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहेगा स्टैंड, ठीक है, या इससे अलग भी हट के कोई न्यूमेरिकल होगा तो मैं अगले वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।